Hey everyone, welcome back to my channel. It's Arpita. So आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ my updated hair care routine, जो कि एक्चुअली मैं बहुत दिनों से शेयर करना चाहती थी, लेकिन मैं चाहती थी जो प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ वो एक्चुअली न्यू प्रोडक्ट्स है, तो मैं उनको अच्छी तरीके से ट्राई करूँ, यूज करूँ, उसके बाद ही आप लोगों के साथ जो है रिव्यू शेयर करूँ. सो हियर आई एम विद दिस वीडियो. आई होप कि आज का वीडियो जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा. सो पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरी जो हेयर केयर रूटीन, हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो है हमेशा से सेम रहे हैं, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर जगह पर रहती थी. अभी मैं द्वारका में रहती हूँ, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो थोड़ा सा सर्च कर लेना मैप पे द्वारका, तो आप लोगों को पता चलेगा मैं कितने पास रहती हूँ. मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही है समंदर, सी बीच. सो क्या होता है ना, जब आप सी बीच एरिया में रहते हो, अगर आप कभी घूमने गए हो ना, तो आप लोगों को पता होगा तो उस एरिया में कितना ह्यूमिड होता है, चिपचिपापन होता है. सो उस वजह से बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है, आपका स्किन खराब होता है. मतलब वो सब कुछ फेस मैं कर रही हूँ यहाँ पे. सो मैं चाहती थी कि मैं कुछ न्यू ट्राई करूँ अपने हेयर के लिए. सो आई get to know about these products जो कि मैं अभी currently use कर रही हूँ, और ये मेरे ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से work करे. Like मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सब कुछ अच्छे तरीके से work करे, लेकिन इनमें से कुछ products बहुत ही अच्छे work करे. So I thought क्यों ना मैं आप लोगों के साथ share करूँ, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा hair fall होता है and जिन लोगों का बहुत ज़्यादा dry and damaged hair है, just like me, क्योंकि मेरे जो hair है बहुत ज़्यादा dry and damaged है, and मैंने बहुत बार chemical treatments कराई है अपने hair पे. अभी recently मैंने hair straightening कराई है, like 3 बार मैं hair straightening करवा चुकी हूँ, मैंने hair कलर भी करी है. सो सब कुछ मैंने कर लिया अपने हेयर के ऊपर. सो फाइनली आई थॉट कि मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा अच्छा खासा ध्यान देती हूँ, ताकि मेरे हेयर जो है कंडीशन अच्छे रहे. सो चलिए, बहुत हो गया इंट्रो के लिए, हम स्टार्ट करते हैं कि मैं क्या प्रोडक्ट यूज करती हूँ एंड ऑल उसके ऊपर. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, विच इज कम्प्लीटली फ्री. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मेरे पास ये 3 प्रोडक्ट्स है फ्रॉम गोदरेज प्रोफेशनल, और इन लोगों ने मुझे ये प्रोडक्ट सेंड कराया है ताकि मैं ट्राई करूं एंड आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूं. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सीरम के बारे में, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि यू नो पॉजिटिव के बारे में सबसे पहले बात करनी चाहिए. सो दिस इज अ सीरम व्हिच इज गॉडरेज प्रोफेशनल नरिश शाइन आर्गेनिक ऑयल सीरम. मैंने आज तक बहुत सारे सीरम यूज करिए, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि दिस इज द लाइक बेस्ट वन, बिकॉज आप लोगों को पता होगा सीरम लगाने के बाद बहुत सारे सीरम क्या करते हैं, आपके हेयर को एकदम ऑयली, एकदम चिपचिपा, एकदम चंपू जैसे बना देते हैं, लेकिन दिस इज अ वन वैसा नहीं करता है. इसमें आर्गन ऑयल के एक्सट्रैक्ट है, और आर्गन ऑयल क्या करता है, आपके हेयर को ग्लॉसियर शाइनीनेस प्रोवाइड करता है एंड आपके हेयर को मॉइस्चराइजेशन एंड न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके हेयर जो है बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगता है, एकदम शाइनीनेस एंड एकदम खुली खुली से लगता है. यू कैन सी माई हेयर, बहुत ही थीन हेयर है मेरे, लेकिन बिल्कुल भी आपको लगेंगे नहीं, एंड यू कैन सी बिल्कुल भी चंपू नहीं लग रहा है, एटलीस्ट इतना तो मैं बोल ही सकती हूँ. इसको मैंने आज अप्लाई करी है बिफोर दिस वीडियो एंड आई लव्ड इट. इसका जो प्राइस है वो है 990 रुपीज. हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगे, लेकिन मुझे लगा कि ये कम्प्लीटली वर्थ द मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि इस तरीके से वर्क करता है कि आपको लगा कि यस नेक्स्ट टाइम जितना बजट हो मैं इसे परचेस करूंगी ही करूंगी, एंड ये आपको आराम से 5 to 6 months आराम से चल जाएगा, क्योंकि ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सिर्फ 1 to 2 pumps से लगाना है, और आपको स्काल्प पे नहीं लगाना होता है, सिर्फ आपको एन तरफ ही लगाना होता है. सो मुझे काफी अच्छा लगा ये वाला सीरम, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर दिस प्रोडक्ट यार, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट वन डेफिनेटली. इस बार तो मुझे प्रोडक्ट लाइक ब्रांड वालों ने सेंड कर दिया है, डेफिनेटली सेकंड टाइम जो है मैं खुद परचेस करूंगी. आई लव इट. ओके, सो नेक्स्ट आई हैव अ शैम्पू फ्रॉम सेम गोदरेज प्रोफेशनल शैम्पू, एंड दिस इज द हनी मॉइस्चर वन. सो पहले तो बता दूं हनी क्या करता है, अगर आपका ज्यादा ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर है ना, तो हनी क्या करता है, आपको सारा का सारा न्यूट्रिशन, आपको जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आपके हेयर को. तो क्या होता है, आपका हेयर ज्यादा ड्राई नहीं होता है, ज्यादा फ्रिजी नहीं होता है, ज्यादा ब्रेकआउट नहीं होता है, तो उस वजह से आपका हेयर फॉल जो है कम होता है. सो आपको वैसे भी पता होगा हमारा स्किन अगर ड्राई हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हनी लगा लेते हैं फेस पे. आप लगाते हो ना फेस पैक में मिला के, मैं करती हूँ. सो अगर आपको शैम्पू में भी हनी का एक्स्ट्रैक्ट मिल रहा है, सो व्हाई नॉट, लाइक इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा सस्ता है, लाइक ये 350 रुपीज का आता है, एंड आई रियली लव द प्रोडक्ट. लाइक प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छा लगा, काफी इंप्रेसिव लगा. इन्होंने बहुत ही सोच समझ के इसमें बहुत ही नरिशमेंट ऑयल एंड हनी का एक्स्ट्रा डाला हुआ है, ताकि जिन लोगों का ड्राई एंड डैमेज हेयर है उनको सारा का सारा प्रोपोलिस, लाइक सारा का सारा मॉइस्चराइजेशन उनके हेयर को मिले. सो मैंने जब इसे यूज करा, मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था शैम्पू से, क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम था, लेकिन इसे यूज करने के बाद मुझे लगा यार कभी भी प्राइस के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, आई रियली लव इट. लाइक ये मेरे हेयर के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से लाइक करा एंड हेयर एकदम खिले खिले लग रहे हैं, आई लव इट. सो नेक्स्ट मैं बात करूंगी इस मास्क के बारे में, व्हिच इज हनी मॉइस्चर मास्क. सो पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ मास्क का काम क्या होता है. मास्क वो सारे के सारे चीज लाइक शाइनीनेस, मॉइस्चराइजेशन, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट,
वो सब कुछ प्रोवाइड करता है जो कि आपको एक स्पा क्रीम, आपको एक लाइक सेरम, आपको एक कंडीशनर प्रोवाइड नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मास्क दे सकता है। ट्रस्ट मी, मास्क ना एक मिराकल जैसा है, मैंने खुद फील करी है। मैं कभी भी कंडीशनर यूज नहीं करती हूँ, मैं डेली लाइफ में शैम्पू के बाद डायरेक्ट मास्क लगाती हूँ एंड आई कैन टेल यू मास्क जो है आपके हेयर के गेम को एकदम चेंज कर देता है। लेकिन दिस इज अ थिंग मुझे इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा, लाइक ये मुझे लगा कि एक नॉर्मल सा कंडीशनर है क्योंकि मेरे हेयर जो है इतना स्मूथ एंड इतना सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं लगा। सो मैं इतना इंप्रेस नहीं हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन ये 250 रुपीज का आता है एंड 100 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है, इसलिए ट्यूब पैकेजिंग में आता है। मुझे पैकेजिंग के ऊपर कुछ लेना देना नहीं है, पैकेजिंग कुछ भी हो आई केयर अबाउट द क्वालिटी, ठीक है। तो मुझे ये पहला प्रोडक्ट जो है इतना अच्छा नहीं लगा, इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। हो सकता है कि क्योंकि मेरी जो हेयर है ना बहुत ज्यादा केमिकली ट्रीटेड है इसलिए वर्क नहीं करा, आई डोंट नो किस वजह से वर्क नहीं करा। हो सकता है कि कुछ लोगों के ऊपर ये वर्क कर भी जाए क्योंकि हम लोगों का हेयर कंडीशन कम्प्लीटली डिफरेंट है, मैं बहुत बार केमिकल ट्रीटमेंट्स करवा चुकी हूँ, तो हो सकता है कि आपके ऊपर वर्क कर भी जाए, लेकिन ये मेरे ऊपर वर्क नहीं करा। सो आई डिडंट लाइक दिस प्रोडक्ट व्हिच इज दिस मास्क फ्रॉम हनी मॉइस्चर। सो दिस इज माई हेयर कंडीशन, यू कैन सी एंड आई एम लविंग इट। लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को एक्चुअली मेरे हेयर का कंडीशन अच्छा लग रहा है या नहीं, क्योंकि मैं 15 डेज से सेम शैम्पू वगैरह वगैरह यूज कर रही हूँ एंड आज भी मैंने यही यूज करी है। स्पेशली सेरम इज bomb.com, जस्ट लुक एट द साइन इन हिज आईज, मुझे काफी अच्छा लगा। सो या आई कैन स्टाइल माई हेयर। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर माय टुडेस वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, एटलीस्ट हेल्पफुल तो जरूर रहा होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, व्हिच इज कंप्लीटली फ्री। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन बाय।